स्थिति है, अगर कहीं किसी तरह से जनसुराज आगे बढ़ा और इससे कहीं भाजपा को फायदा तो नहीं हो जाएगा, आपके मन में ये प्रश्न है, उसका जवाब देना चाहते हैं। पहली बार मेरे मुसलमान भाई जो हमको पूछते हैं कि भैया महागठबंधन का ही मदद आप क्यों नहीं कर रहे, भाजपा को एक बार हरवा दीजिए यहाँ महागठबंधन की मदद करके, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन का मदद क्यों नहीं कर रहे। बिहार में महागठबंधन शब्द पहली बार 2015 में हमने लिखा, उससे पहले तो गठबंधन होता था। पहली बार 2015 में लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस को जोड़कर महागठबंधन मैंने बनवाया और आपके समर्थन और आशीर्वाद से वो महागठबंधन को विजय भी मिली। लेकिन नीतीश कुमार 2015 में जीतने के बाद जब मैं पंजाब चला गया तो नीतीश कुमार अकारण बिना किसी वजह के उस महागठबंधन को छोड़कर भाजपा में चले गए। तो आप जरा बताइए, जितने लोग ये कह रहे हैं कि महागठबंधन का मदद कीजिए, इस बात की कौन गारंटी लेगा कि मैं फिर से 2 साल अगर उनकी मदद कर दूं और ये आदमी फिर नहीं पलटेगा। आप नीतीश कुमार को कितना जानते हैं, हम उस आदमी के साथ 2 साल उनके घर में रहे हैं। मैं नीतीश कुमार को जितना जानता हूं उतना शायद ही कोई जानता होगा बिहार में। मैं आपको लिख कर देता हूं, आज का तारीख नोट करके रखिए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। आप महागठबंधन को वोट दीजिए, घबराइए नहीं, आपका वोट बटेगा नहीं, आप महागठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन लिख कर रखिए आपके साथ फिर धोखा होगा, ये आदमी फिर पलटेगा, ये आदमी फिर आपको छोड़कर भागेगा। ये आज यहाँ महागठबंधन बनाए हैं और दिल्ली में भाजपा के साथ बैठे हुए हैं। दिल्ली में राज्यसभा में उप सभापति कौन है, जदयू के नीतीश कुमार के पार्टी के हरिवंश जी वहाँ उप सभापति है। जो कानून बनता है वो उप सभापति के निगरानी में बनता है। अगर भाजपा से अलग हो गए हैं तो अपने उप सभापति को काहे नहीं हटा रहे हैं, भाजपा इनको क्यों नहीं हटा रही है? इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि एक भाजपा से खिड़की खोल के रखना चाहते हैं। बिहार में अगर स्थिति फिर गड़बड़ हुई तो ये आदमी फिर भागेगा, इसीलिए इनके साथ काम नहीं कर रहे हैं। इस आदमी ने एक बार नहीं, 2 बार 3 बार हमको ठगा। आपको याद होगा CANRC, तब मैं नीतीश कुमार के दल में था, हम लोग की पार्टी में ये चर्चा हुई थी, ये निर्णय हुआ था कि CANRC पर हम लोग इसके विरोध में खड़े होंगे। ये इन्होंने निर्णय बदल कर पार्लियामेंट में CANRC के पक्ष में मतदान किया। मैंने नीतीश कुमार जी से पूछा कि अगर हम लोगों ने पार्टी में निर्णय लिया था